गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज करते हैं स्विफ्ट की 1 kg CNG टेस्ट। ये देखो कंपनी फिटेड वाली है, तो इसकी देखेंगे 1 kg में कितना चलेगी। ये एक भाई की कमेंट भी आई थी बलेनो की, लेकिन बलेनो की नहीं हो पाएगी फिलहाल, अभी स्विफ्ट की करते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई बलेनो की भी। और चलो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये कंपनी फिटेड ही है और गाड़ी भी कम ही चली हुई है। ये देखो ये जो है ना, इधर अभी पेट्रोल पे चल रही है, दोनों बिलिंग कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल सीएनजी इसमें दोनों में से है ही नहीं। सीएनजी तो इसमें बिल्कुल लिखा था। मैं देखो मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अब ये इधर पेट्रोल पे है ना, पेट्रोल चल रही है। अब मैं यहाँ से करूँगा इसको कन्वर्ट। ये देखो यहाँ से होती है, अब देखना अब आ जाती है, मतलब सीएनजी पे आ नहीं रही है। देखो ऊपर लाइट भी आ रही है इसमें, ये देखो आवाज आती है, मतलब सीएनजी बिल्कुल ख़त्म करके अब इसमें 1 kg सीएनजी डलवाते हैं और चलते हैं टेस्ट करते हैं। तो भाई चलो इनको जीरो कर लेते हैं, ट्रिप ए को भी जीरो कर लेते हैं और बी भी जीरो कर लिया है। और देखो सीएनजी पंप पे खड़े हैं हम, यहाँ पे ही गाड़ी चली है 6642 किलोमीटर। और हम चार लोग हैं, भाई हमारे ओनर साहब और ये कुछ भाई। भाई एक बार अपना शॉर्ट इंट हो जाए। भाई रोहित नाम है भाई। भाई का प्रशांत नाम है। और भाई रोहित भाटी। बिल्कुल भाई चार लोग होंगे हम और 70 से 80 की स्पीड पर चलाएंगे इसको, डलवाते हैं 1 kg सीएनजी इसमें। भाई डलवा रहे हैं 1 kg सीएनजी इसमें। लेट बहुत चला है। एक किलो 300 ग्राम, मतलब 30 ग्राम आई है 84 रुपए की। ये गाड़ी देखो इसमें ही। तो चलो चलते हैं। ये देखो भाई पेट्रोल पे चल रही है फिलहाल। अब देखो यहाँ से मैं करता हूँ इसको सीएनजी पे। ये देखो अब आएगी सीएनजी पे। ये देखो इधर सीएनजी आ जाती है। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। 70 से 80 की स्पीड मेंटेन करेंगे और चार लोग मैंने बता दिया है। ये जीरो है ए भी और बी भी जीरो है और 6642 किलोमीटर चली है। चलते हैं अब। चलो भाई बीच में ही आ गए यहाँ पे भी, उन्होंने 300-400 मीटर तो इन्होंने कटवा दिया। क्यों भाई? भाई कितनी चलेगी आपके हिसाब से? भाई ये मेरे हिसाब से चलेगी आपका 30+। 30+ चलेगी? हाँ ना चले फिर चलेगी कैसे नो भाई? चलनी चाहिए क्योंकि भाई चलाने को ले लिया, इतने से कम नो चले, 30 से नीचे जाएगी नो। अच्छा तो पेट भाई ये चल चुकी है 1.9 और अब चल रहे हैं हम 70 से 80 की स्पीड कंटिन्यू रखेंगे। और भाई जो मैंने और गाड़ियों की टेस्ट करी है ना, मैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको जाके देख लेना। जैसा आपके सब्सक्राइबर जो आपकी फैमिली है वो भी जरूर देखे इस चीज को। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो भाई गाड़ी 6 किलोमीटर चल चुकी है और स्पीड हमारी यही है 70-60, 70-80, 60-70-80 के बीच में चला रहे हैं हम। चार लोग बैठे हुए हैं। इसी रोड पे करी थी ब्रेजा की हमने, उसमें उसकी वीडियो अभी जाके देख लेना, डली हुई डिस्क्रिप्शन में। और फ्रॉन्क्स वगैरह की भी करी थी। 80 पे बीप करती है, देखो 80 चल रहे हैं हम। भाई 10 किलोमीटर चल चुकी है, 10.9 मतलब 11 ही चल जाएगी हम। और अभी इसका एक भी पॉइंट नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से लमसम जैसे फ्रॉन्क्स की थी उसके हिसाब से देखें तो 30 के करीब पहुंच जाएगी। और एसी इसका बंदी है क्योंकि सर्दी पड़ रही है, जनवरी में बना रहे हैं वीडियो। और ये देखो कंटिन्यू चल रहे हैं हम। भाई फेक वगैरह हम दिखाते नहीं हैं, किसी भाई को कभी कोई शक हो, क्योंकि रियल ही दिखाना है इस चैनल पर, हम रियलिटी दिखाते हैं। किसी भाई को शक होगा तो अपने ले आना, उसको चला के दिखा देंगे हम इन रास्तों पे ही, इन रोडों पे ही। क्यों भाई? जी भाई बिल्कुल। तो भाई इसका एक पॉइंट चला गया है, मतलब 14 पे गया है, 14 किलोमीटर चली है एक पॉइंट में, जो शुरू का 2 पॉइंट आए थे इसमें स्टार्टिंग में। अब देखते हैं कितनी और चलेगी। और ये चलेगी 15 किलोमीटर और इन रास्तों पर चला रहे हैं हम। यहाँ जो हायर कंपनी है ग्रेट नोएडा में, तो बीच बीच में गोल चक्कर वगैरह आ रहे हैं, गियर अप एंड डाउन करने पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से चार लोग बैठे हुए हैं हम। देख लेना आप क्या एवरेज निकाल के देगी ये। और वही स्पीड 70-80 कंटिन्यू हम बरकरार चले हुए हैं।
गाड़ी चल चुकी है अभी 20 किलोमीटर। ये देखो भाई, भाई ये 25.9 किलोमीटर चल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज दे रही निकाल के। और देखो इन ऐसे रास्तों पे चला रहे हैं हम इसको, रोडों पे मतलब थोड़ा सा भाई अपनी लैंग्वेज आ जाती है निकल के, उसको माइंड मत करना आप। 26.1 किलोमीटर चल चुकी है और स्पीड हमारी वही देखो अभी 80 की कंटिन्यू चल रहे हैं हम। और वीडियो इसकी कंटिन्यू चलेगी, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी उसको देख लेना आप, क्योंकि कैमरा बंद हो जाएगा फिर आप बोलोगे कि बीच में कुछ गड़बड़ वगैरह कर दी है। 26.5 हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे। ये देखो यहाँ पे है हमारी अथॉरिटी, चमक रही बिल्डिंग जो है। भाई ये 27.9 पे बिलिंग किया है इसने, 27 किलोमीटर चल चुकी है भाई, 27 किलोमीटर चल गई है और अभी बिलिंग किया है। हाँ। अभी आप देख लो, बिल्कुल 30+ का ही देगी, 30+ जैसा मैंने बोला है। हाँ। पूरा भरोसा है हमें, पूरा भरोसा है इस पे। अगर ये 30 से नीचे एवरेज दे आज उल्टी खड़ी करी आएंगे हमारे तुम ले जाएगा। भाई ने एवरेज की वजह से ही लिया, भाई का थोड़ा काम ज्यादा मतलब रनिंग का काम है थोड़ा। इसके ऑनर से प्रीव्यू की वीडियो लाएंगे हम जल्दी। 28.4 चली है देखो, और अब लगातार चलेगी है, थोड़े से इसको कंटिन्यू रखेंगे, वीडियो को ऑन रखेंगे हम। दावत पक्की है भाई, भाई 4 लोग बैठे हुए हैं मतलब, फिर भी इसने 29.6 किलोमीटर चल चुकी है भाई। क्या बना रहे हैं सुजुकी है, शेर नहीं कहते क्या कहते मतलब, एवरेज की वजह से लिए भाई ने। तो पहले हमारे पास डीजल गाड़ी थी स्विफ्ट, और 23-24 का उसका भी एवरेज था। 30 हो गई यार, 30 से ऊपर भी जाएगी अभी, आपका 30 हो चुकी है अभी। चलो भाई, 4 लोग बैठे थे, मैंने भाई से कहा था 30 नहीं चलेगी, तो भाई को वो खिलाएंगे यहाँ पे, अच्छे बनाते हैं वो फलूदा वगैरह, वो देखते हैं दही बल्ले बनाते हैं, सॉरी दही बल्ले खाते हैं अभी चल के आगे, दिखा देंगे वीडियो में भी। शर्त लगी थी हमारी 30.3 किलोमीटर चल चुकी है, तो भाई पे खर्चा हो ही गया। कोई बात ना, जो कि 30 नहीं चलेगी, चले कैसे ना, चलने की वजह से तो लीजिए। दूसरा फोन भी हमने मतलब कैमरा चला रखा है उसमें, अब बिल्कुल धांधलीबाजी नहीं होगी इसमें, कंटिन्यू चल रही है 30.7। साबित कर दिया है खा रहे हैं। चलो ये भाई काफी अच्छे बनाते हैं भाई यहाँ ग्रेट नोएडा में ही। तो ये खड़ी है भाई, कैसे हैं दही बल्ले? अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग। उससे ज्यादा ये है कि सुमित भाई अपनी सर थार रहे हैं। भाई दोबारा स्टार्ट कर दिया 32.9 पे। भाई कैसे लगे दही बल्ले? भाई बहुत जोर के लगे दही बल्ले क्योंकि महाराज तो कहते जहर, जीते हुई चीज तगड़ी लगे है ना। देखो सर्द की चीज ज्यादा अच्छी लगे है। भाई चला लो फोन को दूसरे वाले को, 33 किलोमीटर चल गई है, कभी इसका स्टोरेज वगैरह फुल हो जाए।
काफी लंबे टाइम चल रहे भाई, 33 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो आप, 30 मिनट हो गए हम करीबन। चल चल जाएगी भाई, उम्मीद है। देखो मुश्किल है, 35 तो जाएगी, 35 तक मान सकते हैं भाई। 40 चार लोग बैठे, ज्यादा हो जाएगा इसके लिए, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ ज्यादा ना हो, 35 पार जाएगी भाई। देखते हैं, वो तो अब चलता रही यार, चला के छोड़ेंगे इसको, लगे हुए हैं तब मेरी यार। हां लगे हुए हैं आज, आज के दिन इसी का नाम, सीधा ले भाई सीधा, टैंक टू टैंक करेंगे फिर इसका, 8 kg गैस चलवाएंगे इसमें, टैंक टू टैंक वीडियो भी लाएंगे एक गाड़ी की। ये जो है मतलब न्यू ही गाड़ी है अभी, ऐसी चली है 6,500 किलोमीटर चली है पहली। कंपनी वाले क्लेम कर रहे हैं कि 10,000 की सर्विस होने के बाद हाँ ये और अच्छा एवरेज करेगी अपना। अच्छा 34.3 भाई, क्यों पागल हो रहे हो, मतलब डीजल वगैरह में देखो सीएनजी सबसे बढ़िया है, मतलब एवरेज भी काफी जबरदस्त तेजी निकाल गए 15 साल के लिए, सही चीज है। आ रही है वो, दिख रही है मीटर 34.6, गाड़ी काट दी, स्प्लेंडर फेल कर दिया। यार पता है आज वीडियो बन रही है, भाई ये भाई ने बोली थी 30-35 के बीच में चलेगी, ये चार लोग बैठे हम, आपने देखी होगी, और भाई फेक वगैरह नहीं है कोई इसमें, सब चीज रियल दिखाई है हमने, जो जेन्युइन है जेन्युइन है, रियलिटी दिखानी, क्यों भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ। कोई भी एक बार भी स्किप नहीं है, कोई कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, हाँ। और सारी चीज जेन्युइन हम चल रहे हैं। तो रोहित भाई, हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या को तो भाई तोड़ी नो, मतलब कैसी लगी आपको? जबरदस्त, जब ही तो ली गई स्प्लेंडर फेल कर दिया तो स्प्लेंडर ही है, स्प्लेंडर भी हल्की है, एसी ले, हीटर ले, चार लोग बैठे वो भी, जबकि पाचन ने ले जाओ। ये देखो भाई, ये 6600 कुछ किलोमीटर पे स्टार्ट की थी, देख लेना आप, और ए पे भी 35 बताया था मैंने, 400 मीटर में आगे आ गए हैं, और 35.6 दोनों पे देख लो ये रे। तो भाई ओवरऑल ये कुछ इस तरह की रही इसकी एवरेज टेस्ट, उम्मीद नहीं थी मुझे 30 तक की उम्मीद थी, लेकिन 35 किलोमीटर चलिए पूरा एक्यूरेट। तो ओवरऑल भाई कैसी लगा हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। और आपको किसी और गाड़ी की टेस्टिंग करवानी है ना 1 kg की, तो बता देना जल्दी से जल्दी, जितना पॉसिबल होगा उतनी देर में उतनी जल्दी कर देंगे हम, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।